इंस्टीट्यूट का इलस्ट्रेशन नंबर 8 हम अब कर रहे हैं और ये हमारा है पेज नंबर 6.71 भी। श्योर श्योर डेफिनेटली। इलस्ट्रेशन नंबर 8 क्या है? अजय ऑफ मुंबई कंसाइन टू विजय ऑफ दिल्ली। अजय जो मुंबई में रहता है, ये बच्चे हो गया कंसाइनर। विजय ऑफ दिल्ली, विजय रहता है दिल्ली में, ये हो गया कंसाइनी। गुड्स टू बी सोल्ड एट इनवाइस प्राइस। गुड्स किस पर भेजे हैं बच्चे? इनवाइस प्राइस पर भेजे हैं, तो मतलब ये हमारा लोडिंग वाला क्वेश्चन है। विच रिप्रेजेंट्स 125% ऑफ कॉस्ट। जनरली अभी तक हमने क्वेश्चंस देखे थे तो वो सीधा बताता था कि जो प्रॉफिट है या लोडिंग है दैट इज 25% ऑफ कॉस्ट, 25% प्लस कॉस्ट प्लस 25% इस तरीके से बोलता था, या फिर 20% 25% ऑफ इनवॉइस वैल्यू ऐसा भी बोलता था। यहां पर बोला विच रिप्रेजेंट्स 125% ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट का 125%। इसका मतलब क्या होता है बच्चे? इसका मतलब ये होता है, ये कॉस्ट है हमारी, ये हमारी लोडिंग है, और इन दोनों को मिला के आती है इनवॉइस वैल्यू। जो कॉस्ट है, कॉस्ट अगर 100 है, मान लेते हैं कॉस्ट अगर 100 है, तो इनवॉइस वैल्यू कॉस्ट का 120% है, 125% है, विच रिप्रेजेंट्स 125% ऑफ कॉस्ट। तो इनवॉइस वैल्यू के लिए बता रहा है, इनवॉइस वैल्यू कॉस्ट का 125% है। तो 100 का 125% कितना आएगा? 125 आएगा। तो लोडिंग पता चल जाएगी, लोडिंग हमारी है, इसका मतलब ₹25। क्लियर? अगर मेरे पास कॉस्ट 100 है तो इनवॉइस वैल्यू के लिए बताया था, इनवॉइस वैल्यू विच रिप्रेजेंट्स 125% ऑफ कॉस्ट। वैसे बोलते हैं जो लोडिंग है वो 25% ऑफ कॉस्ट है, यहां पे लोडिंग नहीं, सीधा इनवॉइस वैल्यू के लिए परसेंटेज बता दी कि इनवॉइस वैल्यू इज 125% ऑफ कॉस्ट। तो कॉस्ट 100, अगर कॉस्ट 100 है तो इनवॉइस वैल्यू 125 हो जाएगी। या फिर परसेंटेज की बात करें तो कॉस्ट अगर 100% है तो इनवॉइस वैल्यू इसका 125% हो जाएगी, और लोडिंग कितनी होगी, इसका मतलब लोडिंग 25% होगी। क्लियर? चलो आगे देखते हैं। ये तो उसने बता दिया कि इनवॉइस वैल्यू हमारे पास कॉस्ट का 125% है, लेकिन कॉस्ट या इनवॉइस वैल्यू इन दोनों में से कोई एक चीज तो दे ताकि हम एग्जैक्ट, ये तो 100 तो मैंने अज्यूम किया है, अगर कोस 100 है तो 125 इनवॉइस वैल्यू है, अगर कोस 100% है तो इनवॉइस वैल्यू 125% है, ये अज्यूम किया है। बट दोनों में से एक चीज हमें पता होनी चाहिए, या तो हमें कॉस्ट बता दे या हमें इनवॉइस वैल्यू बता दे। आगे कहा विजय इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10%, कमीशन की बात कर दी, 10% कमीशन ऑन सेल्स एट इनवॉइस प्राइस। देखो यहां पर हमें कमीशन किस पर दी है, कमीशन दी है बच्चे इनवॉइस प्राइस पे। मैंने आपको बताया था ना, जो कमीशन है हमारी वो कमीशन या तो टोटल सेल पे हो सकती है या फिर इनवॉइस प्राइस पर भी हो सकती है। तो यहां पर जो नॉर्मल कमीशन है वो इनवॉइस प्राइस पर है। क्लियर? आगे चलते हैं। एंड 25% ऑफ एनी एक्सेस रियलाइज्ड ओवर इनवॉइस प्राइस। तो ओवरराइडिंग कमीशन भी है, ओवरराइडिंग कमीशन 25%, नॉर्मल कमीशन 10%, नॉर्मल कमीशन इनवॉइस वैल्यू पे, और जो ओवरराइडिंग है वो तो हमेशा एक्सेस सेल पर ही आती है। एनी एक्सेस रियलाइज्ड ओवर इनवॉइस प्राइस, जो भी एक्सेस हम रियलाइज करते हैं इनवॉइस प्राइस के ऊपर, उस पर हमें ओवरराइडिंग कमीशन मिलती है। एक्सपेंसेस बता दिए अजय के, अजय ने एक्सपेंसेस किए हैं फ्रेट इंश्योरेंस। अकाउंट सेल्स बता दी, अकाउंट सेल्स शोज दैट विजय हैज इफेक्टेड सेल्स अमाउंटिंग टू ₹1,00,000, ₹1,00,000 की सेल हुई है इन रिस्पेक्ट ऑफ 75% ऑफ द कंसाइनमेंट।
राइट right? यहां पर इस क्वेश्चन में यूनिट्स नहीं है, यूनिट्स नहीं है तो हमें पोर्शन या शेयर बताएगा, जैसा कि और क्वेश्चन में बोलता है 3/4 ऑफ द सेल। 3/4 मतलब सेल हो गई है जो कि 1 लाख रुपीज की है, 3/4 बोलो या 75% बोलो, बात एक ही है। 75% का मतलब 3/4, 3/4 या 75% एक ही बात है। आगे सेलिंग एक्सपेंस बता दिए, हिज सेलिंग एक्सपेंस मतलब विजय के, अब विजय के बता दिए। उसके बाद कहा 10% ऑफ कंसाइनमेंट गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ ₹12,500 वर डिस्ट्रॉयड इन फायर। 10% ऑफ द कंसाइनमेंट गुड्स जो हैं, जिसकी वैल्यू ₹12,500 है, ये डिस्ट्रॉय हो गए हैं। कहां डिस्ट्रॉय हो गए हैं? दिल्ली में, दिल्ली में डिस्ट्रॉय हुए हैं कंसाइनी के पास। कंसाइनर कहां है? कंसाइनर मुंबई में है। जब यहां से भेज दिए थे दिल्ली, तो वहां पर दिल्ली में ये लॉस हो गया, डिस्ट्रॉयड इन फायर, यानी कि वहां पे आग लग गई, एक अबनॉर्मल लॉस हुआ। जो बात की है 10% ऑफ कंसाइनमेंट गुड्स, जो गुड्स भेजे हैं उसका 10%। अब इसकी वैल्यू बता दी, जो अबनॉर्मल लॉस हुआ उसकी वैल्यू, उसकी इनवाइस वैल्यू की बात कर दी, 12,500। ये 12,500 इनवाइस वैल्यू है, एक बार देखेंगे इसको भी। आगे बात की है दिल्ली गोडाउन में आग लग गई है, इंश्योरेंस कंपनी से ₹12,000 मिल गए, ₹12,000 रिसीव कर लेंगे। विजय ने बैलेंस अमाउंट रेमिट कर दिया, तो जब ये अकाउंट क्लोज होंगे तो बैलेंस कैरी डाउन से क्लोज नहीं करेंगे, इसमें हम कैश या बैंक रिसीव कर लेंगे। चलो बच्चे, अकाउंट बनाने हैं, दो चीजें जरूरी हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। कौन कौन सी दो चीजें जरूरी हैं, दोनों को समझते हैं। पहली चीज मेरे लिए जरूरी है, मुझे कॉस्ट प्लस लोडिंग ये पता चल रहा है, ये इक्वेशन की मुझे वैल्यूज पता चल रहा है। ना मुझे कॉस्ट बताई है, ना मुझे टोटल कंसाइनमेंट की इनवाइस वैल्यू बताई है, बट एक दूसरा हिंट दिया कि अगर कॉस्ट 100 है तो इनवाइस वैल्यू 125 है। यही कहा था ना कि हमारी इनवाइस वैल्यू 125% है, किसका? कॉस्ट का। तो 125% है, यानी कि अगर कॉस्ट 100 है तो वो 125% है। तो मुझे बस इतनी सी इंफॉर्मेशन है, चाहे इसको परसेंटेज मिलो या परसेंटेज हटा दो, बात एक ही है। क्लियर? अब एक और चीज मुझे पता करनी है, एक ये भी मुझे कैलकुलेट करना है कि ये क्या निकलेगी वैल्यूज, और एक और चीज पता करनी है, और वो पता करने के लिए हमें थोड़ा सा इसको समझना होगा कि पहले देखो यहां पर है कंसाइनर और यहां पर है कंसाइनी। कंसाइनर रहता है बच्चे मुंबई में, कंसाइनी रहता है दिल्ली में। यहां से गुड्स भेज दिए, हमें नहीं पता कितनी कॉस्ट के भेजे, यूनिट्स क्वेश्चन में है ही नहीं, बट यस बस इतना पता है अगर कोई ₹100 है कॉस्ट, तो उसको ₹25 लोडिंग ऐड करके 125 पर भेजा, मतलब जो गुड्स भेजे हैं वो 100 वाले में हमने ₹100, 100 वाले में 25 लोडिंग ऐड करके इसको 125 बनाकर भेजा। क्लियर? ये करके भेजा। आगे बात की है, अब बात आती है कि आप कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे। तो ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है कि पूरे क्वेश्चन में क्या कोई ऐसी बात कही है जिससे मैं कॉस्ट या इनवाइस वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं। ऐसी एक सेंटेंस बोला है जो आपको हेल्प कर सकता है इसको कैलकुलेट करने के लिए, और वो बोला है 10% ऑफ कंसाइनमेंट गुड्स, ये जो बात बोली है 10% ऑफ कंसाइनमेंट गुड्स, जो भी हमने गुड्स भेजे हैं उसका 10%, उसकी वैल्यू 12,500 है, वर डिस्ट्रॉयड इन फायर, इसमें आग लग गई और ये डिस्ट्रॉय हो गए दिल्ली में। दिल्ली मतलब कंसाइनी के पास। क्लियर? मतलब इसने क्या कहा, इसने ये कहा यहां पर कंसाइनी के पास
कंसाइनी के पास 10% ऑफ कंसाइनमेंट गुड्स, टेन परसेंट ऑफ द कंसाइनमेंट गुड्स में आग लग गई दिल्ली में कंसाइनी के पास, जिसका प्राइस, जिसकी वैल्यू उसने कहा 12,500। क्लियर? अब यहां से इस सेंटेंस की हेल्प से देखो मैं कैसे जो ऊपर की इक्वेशन है उसको मैं कैलकुलेट कर लूंगा। 12,500 अगर दिल्ली में है, 12,500 दिल्ली में है, तो ये किस पर होगा बच्चे? ये होगा इनवॉइस प्राइस पे, राइट? क्योंकि जब ये कंसाइनी के पास जाते हैं तो 100 की कॉस्ट में 25 रुपए लोडिंग ऐड हो जाती है और ये 125 का हो जाता है। 125 मतलब इनवॉइस प्राइस। तो अगर दिल्ली में लॉस होने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं इसकी वैल्यू 12,500 रुपए है, तो इसका मतलब ये 12,500 अपने आप में इनवॉइस वैल्यू है। अगर ये इनवॉइस वैल्यू है 12,500, तो देखो 12,500 अगर इनवॉइस वैल्यू है और ये 12,500 10% है टोटल कंसाइंड गुड्स की, 12,500 इनवॉइस वैल्यू है और ये इनवॉइस वैल्यू टोटल कंसाइंड गुड्स के 10% हैं, तो मैं क्या इसकी हेल्प से ये कैलकुलेट कर सकता हूं कि 100% कितना होगा? क्लियर? 10% ऑफ द कंसाइनमेंट गुड्स जिसमें आग लगी, उसकी वैल्यू, उसकी इनवॉइस वैल्यू 12,500 है। तो अगर मैं बच्चे 12,500 को डिवाइड कर दूं 10% से, तो इसका मतलब टोटल इनवॉइस वैल्यू जो है, टोटल इनवॉइस वैल्यू जो है वो होगी 1,25,000 रुपए। तभी तो 1,25,000 का 10% 12,500 हुआ होगा। और ये मैंने कैसे निकाला? 12,500 डिवाइड बाय 10%, 12,500 जो है वो 10% है टोटल का। जब भी ऐसा कहा जाता है कोई भी चीज 10% है टोटल की, तो उसको 10 से डिवाइड कर दो, टोटल आ जाता है आपके पास 100%। या 12,500 20% है तो 12,500 को 20% से डिवाइड कर दो। 12,500 5% है टोटल का, तो 12,500 को 5% से डिवाइड कर दो, टोटल निकल जाएगा। क्लियर? तो मैंने इसकी हेल्प से, एक रिवर्स कैलकुलेशन से, मैंने ये कैलकुलेट कर लिया कि टोटल इनवॉइस वैल्यू क्या होगी। टोटल इनवॉइस वैल्यू बच्चे 1,25,000 होगी, टोटल कंसाइनमेंट की इनवॉइस वैल्यू। तभी तो उसका 10%, उसके 10% में आग लगी ना, 10% ऑफ द कंसाइनमेंट गुड्स में आग लगी, तभी तो उसका 10% 12,500 इनवॉइस वैल्यू आई है। ये इनवॉइस वैल्यू है, ये अगर इनवॉइस वैल्यू है तो इसीलिए जो कैलकुलेट होगा वो भी इनवॉइस वैल्यू ही कैलकुलेट होगी। अगर मैं कॉस्ट को 10% से डिवाइड करूंगा तो मैं कॉस्ट पे पहुंच जाऊंगा, टोटल कॉस्ट पे। ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये भी कैसे कर सकते हो? देखो, अगर 12,500, यहां पर मैं बात करूं, अगर 12,500 इनवॉइस वैल्यू है तो हमें ये पता है ये 12,500 टोटल कॉस्ट का 125% है। ये 12,500 जो है ये टोटल कॉस्ट की बात की जाए तो कॉस्ट का ये 125% है। तो मुझे अगर इस 12,500 से कॉस्ट पर पहुंचना हो तो कॉस्ट पर कैसे पहुंचा जा सकता है 12,500 से? तो 12,500 को अगर मैं डिवाइड कर दूं 125 से, क्योंकि 125% है ना 12,500, ये 12,500 इनवाइस वैल्यू है जो कि 125% है। अगर मैं 12,500 को 125 से डिवाइड कर दूं तो बच्चे मेरे पास कॉस्ट आ जाएगी। इसका मतलब 10,000 रुपए की कॉस्ट के गुड्स में आग लगी है। अगर कॉस्ट की बात की जाएगी तो 10,000 रुपए की कॉस्ट के गुड्स में आग लगी है, क्योंकि ये आग मुंबई में नहीं लगी तो कॉस्ट नहीं हो सकती, ये आग लगी है दिल्ली में। दिल्ली में तो लोडिंग ऐड हो गई थी, 125 पे गए थे, तो दिल्ली में आग लगी है तो इसकी इनवॉइस वैल्यू पे बात की जाएगी
12500 बोला था तो 12500 इनवाइस वैल्यू थी, बट अगर फिर भी आपको इसकी कॉस्ट निकालनी हो तो इसकी कॉस्ट होगी 10,000 रुपये, जिस पर 25% 2500 रुपये लोडिंग लगी होगी, तभी इसकी वैल्यू 12500 बनी होगी। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ जो गुड्स की आग लगी है, जो गुड्स डिस्ट्रॉय हुए हैं, डिस्ट्रॉयड इन फायर। मुझे इतनी जरूरत है नहीं, सिर्फ 12500 डिवाइड बाय 10% करके अगर मुझे टोटल इनवॉइस वैल्यू मिल जाती है तो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ आसानी से। सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जो आग लगी है, जो गुड्स डिस्ट्रॉय हुए हैं, अगर उसकी वैल्यू 12500 है और वो डिस्ट्रॉय हुए हैं दिल्ली में, तो लोडिंग ऐड होगी। तो आप रिवर्स कैलकुलेशन से कॉस्ट या लोडिंग निकाल सकते हो, और वो कैसे निकलती है, आपके पास ये इक्वेशन है, इसकी हेल्प लोगे और इसमें से आपको जो 12500 गिवन है वो इनवॉइस वैल्यू गिवन है। इनवॉइस वैल्यू मतलब ये 125% जो है वो गिवन है। तो इससे कैसे जाओगे, 12500 को अगर आप 125 से डिवाइड कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, 10,000 रुपीज आ जाएगा, जो कि हमारी कॉस्ट है। लोडिंग आप कैलकुलेट कर ही लोगे। मुझे ऊपर वाली इक्वेशन की नीड नहीं थी, मुझे जरूरत क्या थी, अगर मैं उसकी बात करूं, मुझे जरूरत थी 12500 इनवॉइस वैल्यू है और ये टोटल गुड्स का अगर ये 10% है तो मैं टोटल इनवॉइस वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। टोटल इनवॉइस वैल्यू, यस, 12500 डिवाइड में 10%, 12500 डिवाइड में 10% तो कितनी आ जाएगी, टोटल इनवॉइस वैल्यू बच्चे आ जाएगी 1,25,000 रुपये। और ये कैसे निकली, 12500 जो कि डिस्ट्रॉय हुए हैं गुड्स आज से, उसकी इनवॉइस वैल्यू 12500 है और ये टोटल गुड्स का 10% है। अगर ये टोटल गुड्स का 10% है तो टोटल इनवॉइस वैल्यू निकालने के लिए इसको 10% से डिवाइड करो, 1,25,000 टोटल इनवॉइस वैल्यू आ गई। अब वैसे तो आप इसमें ऊपर वाली इक्वेशन के हेल्प से कॉस्टिंग और लोडिंग भी निकाल सकते हो, जैसे मैंने डिस्ट्रॉयड इन फायर इसका निकाला है, ये खाली जो गुड्स में आग लगी है उसकी मैंने कॉस्ट और लोडिंग निकाली है। अब टोटल गुड्स की लोडिंग और कॉस्ट निकालना चाहो तो उसी इक्वेशन की हेल्प से निकाल सकते हो, मतलब 1,25,000 रुपये को डिवाइड कर दो 125 से, 125%, 1,25,000 को डिवाइड कर दो 125%, तो 1,00,000 रुपीज आपकी कॉस्ट आ जाएगी। या दूसरे तरीके से निकालना चाहो तो दूसरे तरीके से आप इसकी हेल्प से निकाल सकते हो कि जिन गुड्स में आग लगी उसकी कॉस्ट 10,000 रुपये है, इसकी हेल्प से भी निकाल सकते हो। मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ ताकि क्वेश्चन में समटाइम्स कुछ चीज़ दी हो, कुछ और मिसिंग हो, तो आपको पूरा ये सिंपल मैथमेटिक्स है ये, अभी और कुछ नहीं है। तो जो गुड्स में आग लगी है उसकी कॉस्ट 10,000 है, तो टोटल की कॉस्ट निकाल सकते हैं। जब इनवॉइस प्राइस दिया था, जब मुझे डिस्ट्रॉयड गुड्स का इनवॉइस प्राइस दिया था तो मैंने इनवॉइस प्राइस को ऊपर रख के 10% लिया और इनवॉइस वैल्यू निकाल ली टोटल की। आपको टोटल की कॉस्ट निकालनी है तो कॉस्ट से, कॉस्ट की हेल्प से निकाल सकते हो। अगर 10,000 रुपये कॉस्ट है जो गुड्स डिस्ट्रॉय हुए हैं और जो गुड्स डिस्ट्रॉय हुए हैं वो टोटल का 10% है, टोटल का 10% है, तो टोटल गुड्स की कॉस्ट क्या आ जाएगी, 1,00,000 रुपीज। तो कैसे भी निकाल लो, चाहे कि कॉस्ट को पकड़ के कैलकुलेट कर लो या आपके पास इनवॉइस वैल्यू तो आ ही चुकी है 1,25,000 रुपये, ऊपर आपके पास इक्वेशन है 100 + 25 = 125, उसकी हेल्प से निकालना है, उसकी हेल्प से निकाल लो। उसकी हेल्प से निकालना होगा तो 1,25,000 जो आपने निकाली है वैल्यू, इसको डिवाइड करना होगा 125% से, तब भी आपका 1,00,000 आ जाएगा, या फिर आप ये ले लो तब भी आपका 1,00,000 रुपीज आ जाएगा। तो दोनों की हेल्प से निकाल सकते हो। मैंने तो आपको समझाने के लिए बताया, बट आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। आप तो सिर्फ एक 12,500 इनवॉइस वैल्यू है, डिवाइड करो 10% से, टोटल इनवॉइस वैल्यू आ गई,
और अगर टोटल इनवाइस वैल्यू 125,000 है जो कि कोस का 125% है, तो इसको 125 से डिवाइड करो, सीधा 1 लाख रुपए कोस्ट आ जाएगी और 25,000 प्रॉफिट आ जाएगा। ये बच्चे मुझे इक्वेशन चाहिए थी अपने क्वेश्चन को करने से पहले। तो ये इक्वेशन जनरली क्वेश्चन में कई तरीकों से बोलकर दी होती है, कभी कोस्ट का 25%, कभी इनवाइस वैल्यू का 25%, कभी कोस्ट दी है और सीधा कह दिया कोस्ट प्लस 20%, तो सीधा कोस्ट का 20% निकाल लेते हैं। लेकिन समटाइम्स आपको कॉस्ट भी नहीं देता है, इनवाइस वैल्यू भी नहीं देता है। एक तो हिंट दे दिया कि जो इनवाइस वैल्यू है वो कॉस्ट का 100% है, आपको ये एक हिंट दे दिया। दूसरा आपको क्वेश्चन में ढूंढना है और क्या ऐसा हिंट है जिससे मैं वैल्यू कैलकुलेट कर पाऊंगा, तो वो कुछ ना कुछ आपको देगा ही देगा। जैसे इस क्वेश्चन में दे दिया था कि हमारे 12,500 रुपए का लॉस हो गया फायर की वजह से, जो कि दिल्ली में हुआ। पहली बात तो दिल्ली में हुआ, अगर ये लॉस मुंबई में होने की बात करता तो 12,500 इनवाइस प्राइस नहीं होता, फिर 12,500 कॉस्ट लेना पड़ता। क्लियर? ये लॉस हुआ दिल्ली में, अगर दिल्ली में लॉस हुआ तो दिल्ली में तो लोडिंग ऐड करके पहुंचा होता है, यहां पर तो इनवाइस वैल्यू पहुंची होती है। तो यहां पर अगर इनवाइस वैल्यू पहुंची होती है तो 100 वाला 125 बन गया होता है, तो ये 12,500 अपने आप में इनवाइस प्राइस है। और अगर 10% ऑफ द गुड्स में आग लगी है तो इसकी हेल्प से आप, अगर ये 10% है तो मल्टीप्लाई 10 कर दो। 10% का मतलब क्या हो गया? दसवां हिस्सा। 10% का मतलब दसवां हिस्सा हो गया ना, दसवां हिस्सा 12,500 है तो 100% हिस्से को निकालने में क्या देर लगनी है, मल्टीप्लाई कर दो 10 से, या फिर ऊपर मैंने डिवाइड कर दिया 10% से, बात एक ही है, तरीका अलग अलग है, बात वही है। 10% गुड्स में आग लगी है मतलब कि दसवें हिस्से में आग लगी है, 100 का 10 में आग लग गई है, तो टोटल आपको 100% निकालना है तो मल्टीप्लाई 10 कर दो। क्लियर? इसे मैंने अपनी इक्वेशन को सोल्व कर लिया, ये इक्वेशन मुझे चाहिए होती है अपने क्वेश्चन को करने के लिए, राइट? तो यहां पर ये इक्वेशन मैंने सोल्व कर ली, अब मैं अपने क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकता हूं। एक तो बच्चे इस क्वेश्चन में ये चीज हमको समझनी थी कि सर कैसे इसमें हम इस इक्वेशन को बनाएं, कॉस्ट लोडिंग और इनवॉइस प्राइस कैसे लें, क्योंकि उसके बिना तो हम क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे। क्लियर? एक तो मुझे ये चाहिए था, और दूसरा आगे चलते हैं, आगे थोड़ी सी और कैलकुलेशन चाहिए वो भी करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हो जाएगा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट से, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कुछ बच्चों ने मुझसे इस पर कमीशन भी पूछा था, सर कमीशन कैलकुलेट करने में दिक्कत आ रही है, तो इसका कमीशन भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, यूनिट्स दी नहीं है, इनवाइस वैल्यू पर भेज देते हैं। इनवाइस वैल्यू बच्चे अब मेरे पास आ चुकी है, मैंने कैलकुलेट कर लिया, दैट इज 1,25,000 रुपीज, 1,25,000 रुपए। लोडिंग को रिवर्स कर दो बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ये क्या कर दिया हमने, लोडिंग को रिवर्स कर दिया, 25,000 रुपीस। क्लियर? सिंपल, हमने जो गुड्स सेंट किए हैं इनवाइस वैल्यू पे ले लिया और लोडिंग रिवर्स कर दी। और क्या दिया था क्वेश्चन में, क्वेश्चन की बात करें तो कमीशन की बात की थी, कमीशन थोड़ा सा आगे देखते हैं, पहले एक्सपेंसेस बुक कर लेते हैं। एक्सपेंसेस में फ्रेट एंड इंश्योरेंस, ये अजय ने इनकर किए हैं, अजय मतलब कंसाइनर, तो फ्रेट एंड इंश्योरेंस 10,000 रुपए के, अगर ये कंसाइनर ने किए हैं, अजय ने किए हैं, तो टू कैश या बैंक अकाउंट, ये हमने जनरल एंट्रीज में देख लिया था। और ये हमारे क्या है, ये कंसाइनर के एक्सपेंसेस हैं, मैंने एनओआर लिखा है, आपको पूरा कंसाइनर अपने नोट्स में लिखना है, कंसाइनर एक्सपेंसेस, फ्रेट एंड इंश्योरेंस कितना अमाउंट है, 10,000 रुपीज का, 10,000 रुपए का अमाउंट है। आगे चलते हैं, आगे बात किया, अकाउंट सेल्स रिसीव्ड बाय अजय शोज दैट विजय हैज इफेक्टेड सेल्स अमाउंटिंग टू रुपीज 1 लाख, सेल 1 लाख रुपए है जो कि 75% है, 75% बोल लो, 3/4 बोल लो,
एक ही बात है। तो यहां पर मैं सेल्स रिकॉर्ड कर लेता हूं, सेल्स के लिए कंसाइनी का नाम आता है यानी विजय, टू विजेस अकाउंट ब्रैकेट में सेल्स, ये क्लियर होना चाहिए क्योंकि इसके पैसे कौन रिसीव कर रहा है, विजय रिसीव कर रहा है। कंसाइनर को तो विजय से ही लेनी है, कंसाइनी से लेनी है, इसलिए वो यहां पर विजय का नाम लिखता है। ये सेल होगी हमारी, ये टोटल सेल 1 लाख रुपीज की है, और परसेंटेज की बात करें तो इसको 3/4 बोल लो या 75% बोल लो, एक ही बात है। आगे चलते हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस रीइंबर्स करेंगे हिज सेलिंग एक्सपेंस, यानी इससे पहले वो विजय की बात कर रहा था कि विजय ने सेल कर दी 1 लाख की, और आगे कहा हिज सेलिंग एक्सपेंस, तो विजय के ही सेलिंग एक्सपेंस की बात कर रहा है। कॉन्टिन्यूएशन देखना है, जब बोला हिज सेलिंग एक्सपेंस, नाम नहीं बताया, उससे पहले किसकी बात कर रहे हैं, उससे पहले विजय की बात कर रहा है तो विजय के एक्सपेंस है, उससे पहले अजय की बात कर रहा होता तो अजय ने एक्सपेंस की होती, तो उससे पहले सेल की बात विजय की थी तो ये विजय ने एक्सपेंस की है, और विजय के एक्सपेंस के लिए कंसाइनी का नाम ही आएगा, यानी कि विजय का नाम आएगा, विजय अकाउंट, ये बच्चे कंसाइनी के एक्सपेंस है, 8,000 रुपये सेलिंग एक्सपेंस, 8,000 रुपीज। यहां तो बच्चे सारे एक्सपेंस लिखने होते हैं, जब कंसाइनमेंट स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं उसके पर्पस से हमें रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग देखने होते हैं, वहां पे नॉन रिकरिंग लेने होते हैं, यहां पर कंसाइनमेंट अकाउंट में सारे एक्सपेंस लेने हैं। आगे बात करते हैं, अब नॉर्मल लॉस की बात कर दी थी कि 10% गुड्स आग लग गई है, तो अब नॉर्मल लॉस को हम यहां लिख लेते हैं, बाय नॉर्मल लॉस अकाउंट, इसको बच्चे स्टॉक लॉस ऑन कंसाइनमेंट भी कहा जाता है, स्टॉक लॉस ऑन कंसाइनमेंट, सेपरेट अकाउंट भी इसका बन जाता है, ये हमने सेपरेट अकाउंट में ही ट्रांसफर किया है बेसिकली कॉस्ट। तो ये बच्चे हमारे पास 10% है, इसकी अगर वैल्यू की बात करें तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, 12,500 उसकी इनवाइस वैल्यू थी, 12,500 इनवाइस वैल्यू थी, हमें इसकी कॉस्ट कैलकुलेट करनी होती है, लेकिन अगर कॉस्ट की भी बात करूं तो ये अबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट हमारा वर्किंग नोट से निकलेगा, क्योंकि रस्ते के कुछ एक्सपेंसेस ऐड होते हैं, तो अबनॉर्मल लॉस अभी मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, मैंने अभी कैलकुलेट नहीं किया। अच्छा, और बात करें तो इस क्वेश्चन में और कहीं कोई लॉस की बात नहीं की है, इंश्योरेंस कंपनी से 12,000 रुपये मिल गए हैं, और जो भी रिमेनिंग अमाउंट था वो विजय ने रेमिट कर दिया, और कोई बात नहीं की है, तो मैं सीधा कंसाइनमेंट स्टॉक लिख सकता हूँ कि कितना होगा। देखो बच्ची, 75% सेल हो गया, 10% में आग लग गई थी, 85% तो हो गया, तो बचा कितना होगा, बचा होगा बच्चे 15%, बचा होगा 15%, टोटल 100% ही होती है ना, हर चीज अपने आप में टोटल 100% है। 75% सेल हो गया, पोर्शन वाइज ले लो 3/4, 1/10, ऐसे ऐसे करके लोगे तो 1/15 आ जाएगा, ऐसे करके लोगे तो 1/15 नहीं, मतलब 15% है, 15% जो भी शेयर निकलता है वो आ जाएगा, टोटल आपका 100% होगा, और 3/4 या 1/10 करके लोगे तो टोटल 1 होगा, 1 -3/4 -1/10 जो भी आएगा आपका, वो आपका कंसाइनमेंट स्टॉक होगा। परसेंटेज में 15% है, डिवाइड में देख लेना कितना परसेंट आएगा, कितना पोर्शन आएगा। तो ये बच्चे कंसाइनमेंट स्टॉक है, ये भी मुझे कैलकुलेट करना है। कमीशन मैं लिख सकता हूं यहां पर, इसके लिए भी कंसाइनी का ही नाम लिखना होता है, विजेस अकाउंट कमीशन, और कमीशन की बात करें तो 2 कमीशन थी, तो हम एक काम करते हैं इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि एक बच्चे की इसी पर ही डाउट था सर कमीशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो कमीशन कैसे कैलकुलेट होगी, बहुत सिंपल है एक्चुअली। हो सकता है समटाइम आप इंस्टीट्यूट के जो वर्किंग नोट्स हैं उस पर चले गए होंगे तो आपको डाउट आ गया होगा, अदरवाइज देखो मैं करूंगा आपको लगेगा अरे ये तो बहुत ही सिंपल था। कैलकुलेशन ऑफ कमीशन जैसे हम करते आ रहे हैं बिल्कुल वैसे करते जाओ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस क्वेश्चन में एक तो नॉर्मल कमीशन है दैट इज 10% इनवाइस प्राइस पे, और दूसरी हमारी ओवरराइडिंग कमीशन है। जब भी ओवरराइडिंग कमीशन होती है तो मैंने आपको बोला एक छोटी सी वर्किंग बनानी है ओवरराइडिंग कमीशन के लिए। क्या वर्किंग बनानी है, पहले तो आपको एक्चुअल सेल लेनी है,
एक्चुअल सेल कितनी है? टोटल का 75% है। कितना है अमाउंट? एक्चुअल सेल का अमाउंट है 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए की बच्चे सेल हुई है, लेकिन सारे गुड्स नहीं बिके हैं, 75% गुड्स बिके हैं। ये क्यों बनानी होती है? यहीं पे आपकी गलती हो जाती है, क्योंकि अब मुझे इनवाइस वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। किसकी इनवाइस वैल्यू? टोटल की इनवाइस वैल्यू या जितने गुड्स सेल हुए उसकी इनवाइस वैल्यू? जितने गुड्स सेल हुए हैं, इसको कहा जाता है इनवाइस वैल्यू ऑफ एक्चुअल सेल। जो एक्चुअल सेल हुई है, सेल तो ये 1 लाख में, लेकिन उसकी इनवाइस वैल्यू कितनी थी? अगर इनवाइस वैल्यू की बात की जाए तो देखो, इनवाइस वैल्यू यहां पर मैं अगर बात करूं, जो हमने इक्वेशन बनाई है, इनवाइस वैल्यू बच्चे है 1,25,000 रुपए टोटल की, 100% ऑफ द गुड्स की, लेकिन सारे गुड्स तो सेल हुए नहीं है ना, ये कमीशन निकाल रहे हो। कमीशन निकलती है जो सेल होते हैं उस पर, ये सारे सेल नहीं हुए थे, इसका 3/4 सेल हुआ था। 3/4 कह लो या 75% कह लो, इसीलिए तो ये वर्किंग बनानी है। इसमें ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, ये मैं क्यों कर रहा होता हूँ, ये इसीलिए कर रहा होता हूँ कि जो इनवाइस वैल्यू आपको लेनी है, वो बच्चे गलती से टोटल की इनवाइस वैल्यू ले जाते हैं। जितने गुड्स सेल हुए हैं सिर्फ उसकी इनवाइस वैल्यू लेनी है, कमीशन उसी पर देंगे हम। तो इनवाइस वैल्यू अगर मैं बात करूं तो टोटल की इनवाइस वैल्यू तो 1,25 है, सॉरी इनवाइस वैल्यू ऑफ एक्चुअल सेल, इनवाइस वैल्यू ऑफ एक्चुअल सेल 1,25,000 रुपये टोटल की इनवाइस वैल्यू है, लेकिन सारे थोड़े ना बिके हैं, इसमें से तो 75% बिके हैं, या 3/4 बोल लो बिके हैं, इसका 3/4 कर लो। इनवाइस वैल्यू जो 1,25,000 है वो 100% गुड्स की है, पर 100% गुड्स बिके कहाँ हैं? गुड्स तो कितने बिके हैं? गुड्स तो 3/4 बिके हैं। तो कमीशन किस पे मिलती है? जो टोटल भेजे हैं उस पर कमीशन दे दें, या जितना बेचेगा उस पर, जितना बेचेगा, ठीक है? तो 125, 1,25,000 का 75%, 93750। अब इसका मतलब क्या हुआ? जो 75% गुड्स सेल हुए हैं, हमने कंसाइनी को कहा था इसको 93750 पर बेचना, हमने कंसाइनी को कहा था इसको 93750 पे बेचना, कंसाइनी ने बेच दिया 1 लाख पर। तो एक्सेस सेल कितनी हो गई? अगर मैं बात करूं, एक्सेस अमाउंट रियलाइज कितना हो गया? एक्सेस सेल ओवर इनवाइस प्राइस, या कहो एक्सेस अमाउंट रियलाइज्ड ओवर इनवाइस प्राइस, ये हो जाएगा 6250। ये हम हर क्वेश्चन में कैलकुलेट करते आ रहे हैं, और ये छोटी सी वर्किंग का पर्पस सिर्फ यहीं पर है, यहां फोकस, क्योंकि सारे गुड्स नहीं बिकते हैं, कम गुड्स बिकते हैं, 3/4 बिके होंगे, 80% बिके होंगे, 75% बिके होंगे, 60% बिके होंगे, 50% बिके होंगे। इनवाइस वैल्यू भी उतने ही गुड्स की लेनी होती है, इसी को कहा जाता है एक्सेस अमाउंट रियलाइज्ड ओवर इनवाइस प्राइस, या एक्सेस सेल कह लो। तो ये छोटी सी वर्किंग करनी होती है, उसके बाद आपको कमीशन कैलकुलेट करनी है। पहली कमीशन नॉर्मल कमीशन, नॉर्मल कमीशन बच्चे कितनी है? 10% नॉर्मल कमीशन है एट इनवाइस प्राइस। तो देखो ये वर्किंग मेरी और हेल्प करती है, ये नॉर्मल कमीशन 10% किस पर है? एक्चुअल सेल पर कह रहा है या इनवाइस प्राइस पे कह रहा है? इनवाइस प्राइस पे कह रहा है, तो इस पर निकलेगी, इस पर। अगर ग्रोस सेल टोटल सेल पे बोलता तो इस पर, इनवाइस प्राइस पे बोलेगा तो इस पर। ओवरराइडिंग किस पे निकलेगी? ओवरराइडिंग तो एक्सेस पे निकलती है, क्लियर? तो नॉर्मल कमीशन 10% ऑन इनवाइस प्राइस। अब यहां बच्चा गलती कर जाता है, वो इनवाइस प्राइस कौन सा ले जाता है? पूरा 100% वाला, 1,25,000 जितने गुड्स सेंट किए हैं उसके इनवाइस प्राइस पर कमीशन दे दी। अब मान के चलो, मैं कह रहा हूं गुड्स सिर्फ बिके होते 5%, सिर्फ 5% गुड्स बिके होते,
आपने उसको कमीशन दे दी 100% गुड्स पर, जैसे कि सारे बिक गए हैं। बच्चे कमीशन दी जाती है सेल पर, और सेल की अगर बात की जाए तो जितनी सेल हुई है उसी की बात करेंगे। कितने परसेंट गुड्स सेल हुए हैं? 75% गुड्स सेल हुए हैं, सारे नहीं बिके, तो जितने बिके हैं उसी की इनवॉइस वैल्यू लेकर उस पर आपको कैलकुलेट करना है। तो ये 10% है, 9375। और सेकंड, ओवरराइडिंग कमीशन, अगर आपने इस तरीके से किया होगा तो डेफिनेटली आपको कमीशन में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए थी। अगर आपने स्टडी मॉड्यूल के वर्किंग नोट को रेफर कर लिया तो आप शायद थोड़ा कंफ्यूज हो गए होगे, मुझे लगता है। ओवरराइडिंग कमीशन की बात करें तो ओवरराइडिंग कमीशन में एक्सेस सेल पर, यानी कि 6250, इसका 25%। हमेशा ओवरराइडिंग कमीशन सिर्फ एक्सेस सेल पे मिलती है। यस, इसकी परसेंटेज ज़्यादा हो सकती है, मैंने आपको कहा था ना, इसकी परसेंटेज नॉर्मल के कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि ये पूरा का पूरा 6250 कंसाइनर के लिए पूरा प्रॉफिट है, इसमें एक रुपया भी कॉस्ट का नहीं है। तो अगर उसके लिए पूरा प्रॉफिट है तो वो तो इसको 50% तक भी बांट दे, 60% भी बांट दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? तो 25% इस पर भी प्रॉफिट कमीशन दे दी, जो आएगा 1562.5। तो मैं ले लेता हूँ 1563 ले लेता हूँ, और टोटल कमीशन मेरे पास हो गई 1093.7.5 आएगा अगर पॉइंट में लेंगे, तो मैं राउंड फिगर में ले रहा हूँ 1093.8। तो ये कमीशन तो बच्चे कैलकुलेट होगी, जिसको भी कमीशन में डाउट था। तो उनके लिए अब ये डाउट खत्म हो गया होगा, आई होप अब आपको इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर आपने ऊपर छोटी सी वर्किंग बना ली, एक्चुअल सेल तो ऑलवेज क्वेश्चन में गिवन है, जितने रुपए की है वही लेनी है, लेकिन ये वर्किंग का मकसद ये है कि एक्चुअल सेल कितने परसेंट गुड्स की है, कितना परसेंट सेल हुआ है, 3/4 सेल हुआ है, 75% सेल हुआ है, 80% है, 50% है, कितने परसेंट है, मैंने येल्लो से हाईलाइट किया है। मेन मकसद ये था कि अगली जब आप इनवॉइस वैल्यू निकालो, जिसको कहते हैं इनवॉइस वैल्यू ऑफ एक्चुअल सेल, वो भी 75% ले पाओ टोटल गुड्स का, इसलिए। क्लियर? और सेकंड वर्किंग नोट हम बनाएंगे कंसाइनमेंट का और अपने अबनॉर्मल लॉस का। वर्किंग नोट टू, वैल्यूएशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक, और हमारे पास अबनॉर्मल लॉस भी था, आई थिंक यस, अबनॉर्मल लॉस भी था। तो वैल्यूएशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक एंड अबनॉर्मल लॉस, दोनों की कैलकुलेशन आप एक ही वर्किंग नोट से कर पाओगे। पर्टिकुलर्स क्वांटिटी इस क्वेश्चन में है नहीं, कुछ नहीं होता, नहीं है तो बिना क्वांटिटी के भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इस वर्किंग नोट में भी हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ, अगर आप इंस्टीट्यूट के वर्किंग नोट की तरफ जाओगे, मेथड थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाइड करके मैंने आपको बताया हुआ है। आपको ऑलवेज क्या लेना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट, वो इसको स्टार्ट कर रहे हैं इनवॉइस वैल्यू लेके, फिर इनवॉइस को कॉस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट, क्वांटिटी गिवन नहीं है, सीधा वैल्यू ले लो, वैल्यू आपने ऊपर कैलकुलेट की ही है, ये तीनों वैल्यूज कैलकुलेट की थी, ये रही आपके पास, ये तीनों वैल्यू आपके काम आ जाती हैं। इनवॉइस वैल्यू और लोडिंग सबसे पहले काम आ जाती है जब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, एक साइड इनवॉइस वैल्यू, दूसरी साइड लोडिंग। क्लियर? और कॉस्ट कहाँ काम आ जाती है, जब आप ये वर्किंग नोट बनाते हो। तो ये वर्किंग नोट में कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड बच्चे आ जाएगा 1,00,000 रुपये। क्या करना होता है, इसमें ऐड करनी होती है कंसाइनर के एक्सपेंस, एक्सपेंसिस बाय कंसाइनर, कंसाइनर के बच्चे सारे एक्सपेंस लेने होते हैं। इस क्वेश्चन में कंसाइनर के एक्सपेंस थे 10,000। क्लियर? ये मैंने सारे एक्सपेंस कंसाइनर के ले लिए। बात करते हैं कंसाइनी के एक्सपेंस की, कंसाइनी में तो सेलिंग एक्सपेंस है, सेलिंग एक्सपेंस तो बच्चे वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक के लिए सेलिंग एक्सपेंस का मतलब ही नहीं है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल रही होती तो हमें ये चाहिए होती, हम तो वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, जो गोडाउन में स्टॉक रखा है उसकी वैल्यू निकाल रहे हैं,
उसकी वैल्यू में तो सिर्फ रास्ते के जो एक्सपेंस होते हैं वो आते हैं, तो ऐड अगर करेंगे एक्सपेंसेस, या फिर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस बाय कंसाइनी, कंसाइनी ने जो नॉन रिकरिंग एक्सपेंस किए हैं, कोई भी एक्सपेंस नहीं किए नॉन रिकरिंग, एक ही एक्सपेंस किए हैं सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग हमारे रिकरिंग नेचर की होती है, 1,10,000 रुपये ये हमारे पास आ गया। जब ये गुड्स कहाँ पहुँच गए, जब ये गुड्स पहुँच गए दिल्ली, दिल्ली पहुँच गए, ये कहाँ की कोस थी, जब गुड्स थे मुंबई कंसाइनर के पास, कंसाइनर ने भेजे तब 1,00,000 वैल्यू थी, रस्ते की जो फ्रेट और रस्ते का जो भी एक्सपेंस होंगे 10,000 रुपये वो लग गए कंसाइनर ने किए, तो 1,10,000 रुपये की कॉस्ट के गुड्स वहां पर पहुंच गए। ध्यान रखना मैं इनवाइस वैल्यू लेके नहीं चल रहा, मैं कॉस्ट वैल्यू के बेस पर, कॉस्ट के बेस पर इस वर्किंग नोट को बना रहा हूं, तो 1,10,000 रुपये हो गए। अब इसकी हेल्प से मैं अब नॉर्मल लॉस भी कैलकुलेट कर लूंगा और मैं अपने पास क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लूंगा। पहले अब नॉर्मल लॉस कैलकुलेट कर लेते हैं, वैल्यू ऑफ अबनॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस कितना हुआ था बच्चे, अब नॉर्मल लॉस हुआ था 10%, यहाँ देखो अब नॉर्मल लॉस हुआ है 10%। क्वेश्चन में जो वैल्यू गिवन है, क्वेश्चन में जो वैल्यू गिवन है वो तो कहा था कि 10% लॉस हो गया जिसकी वैल्यू 12,500 है, वो तो इनवाइस वैल्यू के हिसाब से बताया था जिस वैल्यू पर हम भेजते हैं, लेकिन हमें तो क्या कैलकुलेट करना है, हमें जो कैलकुलेट करना है वो करना है उसकी कॉस्ट क्या है और रस्ते के जो एक्सपेंस लगे होंगे उसका भी तो लॉस हुआ, क्लियर। तो 10% 1,10,000 का 10% बच्चे आ जाएगा 11,000। तो ये मेरे पास आ गया वैल्यू ऑफ अबनॉर्मल लॉस जो मुझे कंसाइनमेंट पर्पस से लेनी है, कंसाइनमेंट पर्पस से इसकी वैल्यू है 11,000 रुपये। और मैंने आपको बताया अबनॉर्मल लॉस में लोडिंग ऐड नहीं करते हैं, लोडिंग ऐड क्यों नहीं करते हैं अबनॉर्मल लॉस में, क्योंकि बच्चे अबनॉर्मल लॉस जो है वो इन फ्यूचर सेल नहीं होगा, वो तो डेड हो गया, जो चीज़ इन फ्यूचर सेल नहीं हो सकती है उस पर लोडिंग की बात करना बेकार है। कंसाइनमेंट स्टॉक तो बचा हुआ होता है, फ्यूचर में सेल हो सकता है, होगा ही होगा, इसलिए हम उस पर लोडिंग का प्रोविजन रख सकते हैं, मान सकते हैं फ्यूचर में बिकेगा तो डेफिनेटली हमें वो प्रॉफिट देगा। तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कह लो कंसाइनमेंट स्टॉक कह लो, ये बच्चे 15% था, 1,10,000 रुपये की हमारी वैल्यू आ चुकी है, मतलब कॉस्ट आ चुकी है, गुड्स की कॉस्ट प्लस रस्ते के एक्सपेंस, इसका 15%, तो 1,10,000 का 15% 16,500, ये क्या आएगी कॉस्ट आएगी, क्योंकि हम कॉस्ट पर बेस क्वेश्चन कर रहे हैं, कॉस्ट पर बेस हमारा वर्किंग नोट है, रस्ते के खर्चे ऐड हो जाते हैं तो कॉस्ट इंक्रीज होगी कंसाइनी के पास, तो ये कॉस्ट है। लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा इनवॉइस वैल्यू वाला है तो आपको प्रेजेंटेशन के लिए लोडिंग ऐड करनी होगी, लोडिंग ऐड टोटल कितनी लोडिंग है, टोटल लोडिंग है 25,000 रुपये, 1,00,000 की कॉस्ट थी, 25,000 लोडिंग थी, टोटल 1,25,000 बन रहा था, टोटल 25,000 की लोडिंग है। लेकिन अगर मैं बात करूं कंसाइनमेंट स्टॉक की तो कंसाइनमेंट स्टॉक तो 15% बचा हुआ है, तो लोडिंग भी कितनी होगी 15% ही बची होगी, 25,000 का 15% 3,750। तो ये लोडिंग सिर्फ प्रेजेंटेशन पर्पज से है, मैं इसको रिवर्स कर दूंगा बाद में, तो 16,500 प्लस 3,750 20,250। इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में देखोगे तो आपको शायद वर्किंग नोट भी 3-4 दिए हुए हैं, हर एक चीज का अलग अलग बना के दिया हुआ है, कंसाइनमेंट स्टॉक का अलग, अब नॉर्मल लॉस का अलग, हम एक ही से पूरा कर सकते हैं ना, तो फिर अलग की जरूरत क्या है, और बहुत ही सिंपल है। तो 20,250 ये बच्चे हमारे पास क्रेडिट साइड में चला जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, लेकिन इसमें लोडिंग ऐड कर दी है तो लोडिंग को आप डेबिट साइड में लिख दो, रिवर्स करने के लिए बात एक ही हो जाएगी, कॉस्ट पे रिकॉर्ड हो जाएगा,
डी इज 250 और 3750, तो यहां पर आ जाएगा 20250। और डेबिट साइड में आ जाएगा स्टॉक रिजर्व, टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट। ये बच्चे लोडिंग है ऑन स्टॉक 3750। ये जो वर्किंग नोट पे थी रिवर्स करने के लिए, क्लियर। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब यहां पर हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट में जो भी आना चाहिए था वो कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसका टोटल कर सकता हूं और मैं प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर सकता हूं कंसाइनमेंट भी। पहले क्रेडिट साइड का टोटल कर लेता हूं, 1,25,000 प्लस 11,000 प्लस 20,250, 156,250 मेरा क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है। और अगर मैं डेबिट साइड की बात करूं, 125 प्लस 10,000 प्लस 8,000 प्लस 10938 प्लस 3750 157,688। तो मेरी डेबिट साइड यहां पे एक्सीड कर रही है 157,688, तो 157,688 इस क्वेश्चन में लॉस आ गया। देख लेते हैं एक बार मॉड्यूल में भी, यस हमारे पास यहां पर भी लॉस ही आ रहा है। लॉस हमारे पास कितना हो जाएगा, 157,688 माइनस 157,688 माइनस 156,250 1,438, इतने का ही लॉस आ रहा था 1,438। और ये हमारा ट्रांसफर हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट। ये बच्चे लॉस हो गया कंसाइनमेंट पे 1,438 का, क्लियर। तो हमसे एक तो ये कंसाइनमेंट अकाउंट मांगा था, दूसरा हमसे कंसाइनी अकाउंट मांगा था। अगर मैं कंसाइनी अकाउंट की बात करूं तो कंसाइनी अकाउंट में आप क्या क्या चीजें ले जाओगे, एक तो सेल लेकर आओगे, सेल वहां पे क्रेडिट में आती है यहां पर डेबिट में आएगी, तो कंसाइनमेंट अकाउंट। ये बच्चे सेल्स है हमारी और सेल हुई थी 1,00,000 रुपीज की बाय कंसाइनमेंट एक्सपेंस एंड कमीशन। एक्सपेंस की बात की जाए तो 8,000 रुपए के एक्सपेंस किए थे कंसाइनी ने, सेलिंग एक्सपेंस किए थे 8,000 रुपए के। और अगर बात की जाए कमीशन की तो कमीशन यहां पे हमने कैलकुलेट की थी 10938 तो टोटल 10938 प्लस 8,000 18938 डिडक्ट कर लेगा कंसाइनी, टोटल अमाउंट में से इतना डिडक्ट कर लेगा। और रिमेनिंग अमाउंट के लिए बच्चे बोल दिया था कि रेमिट कर देगा। अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन में यहां पर उसने बात कर दी थी कि जो रिमेनिंग अमाउंट है वो रेमिट कर दिया, रेमिट द बैलेंस इन फेवर ऑफ अजय, तो रेमिट कर दिया बैलेंस अमाउंट। तो अब आपको बैलेंस कैरी डाउन नहीं लिखना, बाय कैश या बैंक अकाउंट, ये अमाउंट रेमिट कर दिया, क्लियर। कितना आ जाएगा, 1,00,000 माइनस 18938 81062। बच्चे ये दो ही अकाउंट इस क्वेश्चन में मांगे हुए थे और कोई अकाउंट इस क्वेश्चन में नहीं मांगा था, बट फिर भी अगर मैं इस क्वेश्चन में अब नॉर्मल लॉस दिया हुआ है और मेरे को आपको अब नॉर्मल लॉस
बना के खाना है, तो मैं आपको अब नॉर्मल लॉस बना के दिखा देता हूँ। अब नॉर्मल लॉस कितना हुआ था, 11,000 रुपये का, क्रेडिट में था तो यहाँ डेबिट में आ जाएगा। इसको कहते हैं स्टॉक लॉस ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। अब नॉर्मल लॉस भी या फिर स्टॉक लॉस ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ अजय, अजय की ही बुक्स में बनेगा ये। टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ये क्या था बच्चे, जो लॉस हो गया था, लॉस बाय फायर, इसका अमाउंट था 11,000 रुपये का। 11,000 रुपये का हमें लॉस हुआ, इंश्योरेंस कंपनी से कुछ पैसे मिल गए थे। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर उसने बात कर दी, इंश्योरेंस कंपनी पेड ₹12,000 नेट ऑफ सैलवेज, 12,000 रुपये इंश्योरेंस कंपनी ने दे दिया। जनरली ऐसा होता नहीं है, जो लॉस होता है मैक्सिमम उतना मिल सकता है या कम ही मिल सकता है, यहाँ पर तो 12,000 रुपये दे दिया। दे दिया तो अच्छी बात है, 12,000 रिसीव कर लो आप, क्या फर्क पड़ता है, 12,000 रिसीव कर लो बाय इंश्योरेंस कंपनी या फिर ऐसा मिल गया तो कैश या बैंक अकाउंट। अब बेसिकली यहां पर देखिए, यहां तो आपको फायदा हो गया, आग लगने से प्रॉफिट ही हो गया, आग लगने से लॉस हुआ था 11,000। प्रैक्टिकली कभी भी ऐसा नहीं होगा, कभी भी इंश्योरेंस कंपनी आपको ज्यादा अमाउंट दे ही नहीं सकती है, वो तो अपनी कैलकुलेशन ऐसे करेंगे कि आपको कहीं ना कुछ लॉस ही होगा या पूरा मिल जाएगा। अब अगर यहाँ पे प्रॉफिट हो ही गया तो क्या करो, प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट में ले जाओ, बस प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट, ये आपको 1,000 का प्रॉफिट हो गया इसके ऊपर। क्लियर, ये अकाउंट मांगा नहीं था बट फिर भी मैंने आपको ये अकाउंट बनाकर दिखा दिया। तो यहां पे हमारा ये इलस्ट्रेशन नंबर 8 जो है आईसीआई का, वो कंप्लीट हो जाता है। ये कंप्लीट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये वाला अकाउंट आपके काम का नहीं है। क्लियर, तो यहां पर ये 3 अकाउंट मैंने बना दिए हैं और ये जो वर्किंग नोट्स है ये यहां पर बन गए हैं। क्लियर, इलस्ट्रेशन नंबर 8 हमारा कंप्लीट हो जाता है।